पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन अनाज मंडियों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी स्थिति खराब है। व्यापारियों को टोकन नहीं मिल रहे। समाना में करीब व्यापारी 187 हैं, जिनमें से सिर्फ 57 आढ़तियों को ही टोकन मिले हैं। जो छोटे कमीशन एजेंट हैं उनको टोकन नहीं मिले, जिसके कारण किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं। इस बार मंडी में मजदूरों की समस्या भी आएगी, क्योंकि कोरोना के कारण मजदूर कम मिल रहे हैं। अनाज मंडी में तो गेहूं का उठान हो जाएगा, क्योंकि कमीशन एजेंटों के अपने मजदूर उनके पास होते हैं, लेकिन यहां से जो लोडिंग ट्रक भर के जाएगा गोदामों के लिए, वहां पर पंजाब पल्लेदार यूनियन के जो वर्कर हैं वो काम नहीं कर रहे। उन्होंने हड़ताल की हुई है, वे अपने रेट के बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको पूरा पैसा प्रति बोरी के हिसाब से नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम काम नहीं करेंगे। जिससे लगता है कि अभी तो 2-3 दिन हुए हैं गेहूं को मंडी में आते हुए शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर होगी। मार्केट कमेटी समाणा के चेयरमैन प्रदमन सिंह ब्रक से जब बात की गई इन समस्याओं के बारे में, तो उन्होंने कहा हर कमीशन एजेंट को टोकन दिया जाएगा, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दाना दाना उठाया जाएगा, चाहे वो राइस मिल में गेहूं डाली जा रही है या अनाज मंडी में या गाँव में, एक एक दाना सरकार खरीदेगी। किसी तरह की परेशानी किसी को नहीं आने देगी। मजदूरों की समस्या को उन्होंने माना, लेकिन यह जल्दी आने वाले समय में ठीक होगी, लिफ्टिंग का ठीक प्रबंध करेंगे। असि मार्केट कमेटी जाके गल करते हैं, तो ये कहते हैं जी चंडीगढ़ों सिस्टम साढ़े लवे मेल आँदी है, किड़े आड़ती किन्ने पास ने, जिस तरह की उदाहरण वजो ला लो समाणे मंडी के 250 आड़ती ने, 250 आड़तियों के पांच पास वह पहले दिन इन्होंने 50 आड़तियों इशू किए, अगले दिन फिर 40-50 आड़तियों इशू किए, जिहड़े नूं पहले दिन हो गए उन्हों का गैप पै गया, अगले जिमीदार उन्होंने आले दुआले हो रहे हैं जी। एक पास आप करोना कह रहे हैं तो दूसरे पास ये सिस्टम उड़ज गया जी। सरकार नूं जे कहा वो कहते साडे लवे बारदाना नहीं हैगा, लेबर नाल डिस्प्यूट चल रहा है। एक पास सरकार कह रही है साडे लवे पुख्ता प्रबंध मुकम्मल ने, दूए पास ये भांडा फुट रहा सरकार का जी। साडा 10.5 हज़ार बंदे तकरीबन बनता जी, सारे हड़ताल दे मंग पत्र दे गए जी। 120% बबते साढ़े रेट खोल देने, असी कम करने साड़ियाँ लेबर तैयार ने जी, ये रेट से ही कम नहीं करा। बब का मतलब ये बन ये बनते साढ़े क स्टूल ला के 4.5 रुपये रेट बनता प्रति बोरी का, साडा वो हल कर देने, असी सरकार का कम करने तैयार हैं जी। हालात जोड़े मंडी के ने जी, वो किसान नू माल लिया च बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। ये जो गवर्नमेंट ने पास सिस्टम बनाया सीगा, वो बनाया बहुत सिस्टमैटिकली वधिया ढंग नाल सीगा, जो सरकार दे सोशल डिस्टेंस नू मुख रखते हुए उस सिस्टम नू बनाया गया सीगा, भी हर आड़ती नू छोटे नू एक पास, दूजे नू बड़ा दो पास, जोड़ी एवरेज 3% नाल हर एक नू पास जारी होणगे, पर वो नहीं हो सके। हुण जिहड़े पास जारी हो रहे ने वो गलत तरीके नाल हो रहे ने, सानू नहीं पता भी यह उपरों सिस्टम च फर्क है या निचले लैवल ते फर्क है। 37 नू पहले दिन, 20 नू अगले दिन, इट मीनज के 57 आड़तियां नू पास जारी होए 187 आड़तियां चों, ते बाकी जिहड़ी मंडी है वह पासां बिना बहुत औखी है। कि जिहड़े माड़े आड़ती ने जिन्हां दे 2000 कट्टां दा माड़ा किसान है, जिन्हां लई इह सिस्टम बनिया थी, वह इस सिस्टम तो वांझे ने, उन्हां नू कोई पास अजे तक जारी नहीं होया। ये जिहड़ा सिस्टम है मंडी बोर्ड वालों ही जिहड़े पास साडी मंडी च आउंदे ने उत्थों PDF फाइल बन के आउंदी है, इत्थों साडे मुंडे उहदा प्रिंट कढ के कल्ले आड़ती नू दिंदे ने। समाणा दे विच 187 आड़ती लोकल मंडी च ने, जे लाइसेंस की गल करिए तो साडे कोल नियर अबाउट 275 आड़तियां दे लाइसेंस ने। हुण तक 3850 पास साढ़े कोल सारे इशू 19 तरीक तक जिहड़े मंडी लैके आउणगे, 3850 ट्रालियां दे पास इशू कर दित्ते ने। अराइवल जिनी कल तक साढ़े सारिया एजेंसियां जो परचेज की है टोटल 956 टन टोटल परचेज हो गई है साढ़िया सारे सेंटर पा के ते लोकल मंडी पा के। कैमरामैन बासन गर्ग के साथ पुरुषोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।